कह रहे हैं चलाने वाली बात फिर से कहीं ना कहीं उधर मिर्च। अरे पत्रकारिता से चलाएंगे महाराज, इस पत्रकारिता के ताकत को दिखाएंगे, इस माइक के ताकत को दिखाएंगे, और जहां भी गलत हो उस इस माइक के ताकत से, इस पत्रकारिता के ताकत से उस गलती को दिखाएंगे, सरकार को छक मार के वो गलती सुधारना पड़ेगा। वाल्मीकि नगर से जितना भी नदी का पानी छूटता है सबसे ज्यादा डाउन ये एरिया है, यही पे आके अड़ जाता है, रुक जाता है, यही पे आके रुक जाता है। ये महानवा डुमरिया गाँव में आके पूरा पानी रुक जाता है, यहाँ का फसल पूरा बर्बाद हो जाता है। उस जगह पे हम लोग हैं, ये चीजें हैं। अब सोचिए तो दिखाइए इस सब चीजों को, बनाइए वीडियो। अगर मेरे गांव में भी कमी है तो दिखाइए, डरिए लोग मत कि मनीष भैया और नाराज हो जाएगा, नहीं नाराज होंगे। अस्पताल स्कूल अगर कोई गलत हो रहा है दिखाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सड़क पीसीसी बन गया है, चारों तरफ से मिट्टी गिर गया है, गाड़ी कभी भी पलट जाएगा। जो दिखाना है दिखाइए, दिखाइए, हम कभी किसी को नहीं रोकेंगे। आप हमको आज भी याद है 4 साल पहले उसी समय जब बाढ़ आया था, मेरे गांव का रास्ता कट गया था, तो एक ठेकेदार जी जो है ना, रास्ता जैसे कटा तैसे राविस ओविस भेज दिए थे, आ किसी से कहे थे कि मनीषवा के चक्कर में 18 लाख रुपया का नुकसान हुआ। तो आदमिया पूछा का है, तो बोले कि देखिए ना अभी बाढ़ का पानी रोड पे चढ़ा नहीं, रोड काटा नहीं, तब तक हमको मटेरियल भेजना पड़ा, उसको सही करना पड़ा। तो पूछे क्या है, तो बाद में कर देते। बढ़वा तो हम लोगों के यहाँ अप्रैल मई से शुरू होता है, जून से कभी कभी शुरू होता है, और सितंबर अक्टूबर नवंबर तक चलता है, उसके बाद से जो है रोड का ट्रैक्टर लेके राविस गिराते थे, सही है कि नहीं। और पानी चढ़ा नहीं, रोड थोड़ा सा कटा नहीं, उनको भेजना पड़ा, 18 लाख रुपया का नुकसान हो गया। तो क्या है, तो डीएम साहब कहे थे कि मनीषवा का गौवा का रोडवा ठीक कर दीजिएगा, नहीं तो वीडियो बना के लगेगा बकबका। कुछ 4 साल पहले का घटना है, वो जो टेढ़का जिलेबिया मोड़वा के पहले मोड़वा नहीं के जहाँ पुलवा हमेशा टूट जाला बसवरिया के आगे, वहाँ में टूट गई रहे। तो गांव के मुखिया जी सब अपना सब कुछ ले लाके एकदम टक 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 टक, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। तो रोड पे पानी था, रोड बन रहा था, तो इसको बोलते हैं ताकत। जी बिल्कुल सही बात, वो ताकत आप लोग अपने अपने गांव में दिखाइए, दिखाइए। हाँ कुछ लोग बोलेगा कि आप लोगों को बोलने नहीं आता, तो आप लोग उन मीडिया वाले, जो भी मीडिया वाले बोले कि डिजिटल मीडिया वाले को बोलने नहीं आता है, तो आप लोग बोल दीजिएगा कि कम से कम आपका चैनल कैंसर का प्रचार करता है, हम तो कैंसर का प्रचार नहीं ना करते हैं, बोल दीजिएगा। उनके पास बुद्धि विवेक सब है तब वो कैंसर का प्रचार कर देते हैं, कैंसर जैसा कैंसर का बढ़ावा देने वाला जो भी चीज आता है उसका प्रचार आता है बड़े बड़े चैनलों पे, हम लोग तो नहीं ना करते हैं। हम लोग तो हम लोगों को सिर्फ बोलने ही नहीं आता है ना, लेकिन समाज के लोगों का दुख और दर्द समझने तो आता है, आता है कि नहीं आता है। तो जिस दिन वो लोग कैंसर का प्रचार करना बंद कर देंगे अपने अपने चैनलों पे, उस दिन हम लोगों को भी बोलने आ जाएगा। क्या बात, बस बोल दीजिएगा, क्या बात, ये चीज है। अच्छा आप अपने नानी घर आए हुए हैं, नानी से मिले, नानी आपके कैंसर से पीड़ित हैं, आप जेल के अंदर थे, कहीं ना कहीं नानी से भी बात हुई थी, मीडिया वाले बात किए थे, तो भी एक ही कहती थी कि मेरे बाबू जो है निर्दोष है, तो आज नानी से मिले तो क्या समय था उसका बता दीजिए। आप लोगों को खुद पता है कि मेरे ऊपर क्यों लादा गया था एनएसए, अभी बोला है ना तमिलनाडु का एगो नेता, यूपी बिहार के लोग जो है आते हैं यहाँ पे टॉयलेट, जैसा कि मीडिया दिखाया, हम इस खबर का पुष्टि नहीं करते हैं भाई, वो बोला था तो हम सुने नहीं थे, नहीं तो फिर एनएसए लाद देगा, सब क्या करेंगे हम, डीएनए पे भी सवाल नहीं, 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 तो ठीक है, सब पे नहीं, सब पे एनएसए लगाना पड़ेगा। उसके बाद से ये जो तेलंगाना का भी नया मुख्यमंत्री बना है तो बोला था कि तेलंगाना डीएनए इज बेटर देन बिहार डीएनए, बोला था ना, अंग्रेजी में बोला था कि हिंदी में बोला था, अंग्रेजी हमको अंग्रेजी आ गया, हम गए ना वहाँ जेलवा में तो अंग्रेजी बोलते बोलते जो है अंग्रेजी ठीक हो गया मेरा, इंजीनियरिंग के बाद बोलना भूल गए थे, तो फिर अंग्रेजी भी आ गया, तो बोला था अब नाखून का सैंपल नहीं भेजेंगे उसके पास, वो तो पूरे बिहारी को गाली दे दिया। मोदी जी तो सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी को बोले थे कि आपका डीएनए क्या न है क्या न है, तब आप पार्टी बदल देते हैं, यू कर देते हैं, तो पूरा बिहार से 1.5 करोड़ की 2 करोड़ सैंपल गया था नाखून काट के बाल काट के। अब भेजिए ना 12 करोड़ सैंपल भेजिए उसको, बोलिए कि बिहार एंड तेलंगाना बोथ डीएनए इज बेटर देन अदर डीएनए, बोल दीजिए, हम किसी का बुराई नहीं करेंगे, हम दोनों डीएनए को अच्छा बताएंगे, हम पूरे भारत के डीएनए को अच्छा बताएंगे, हम किसी का बुराई नहीं करेंगे, लेकिन उसको बताइए तो सही कि आपका डीएनए भी अच्छा है और हमारा डीएनए भी अच्छा है, हाई हिम्मत किसी को बोलने का नहीं बोलेंगे, मुंह पे तो टिप। अच्छा बहुत सारे लोग जब आप जेल में थे तो ये कह रहे थे कि पत्रकार ऐसा रहे, सरकार से क्यों पंगा ले रहा है, सरकार से पंगा लेगा तो यही होगा ना। अरे आप लोगों ने सुना होगा ना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का नाम, सर पत्रकार ना थे,
राष्ट्र धर्म और पंच जन में पत्रकारिता करते थे। उन्होंने लिखा है अपने किताब में कि सरकार के तर्कस में इतना तीर होता है कि जब चाहे वो पत्रकार और पत्रकारिता का गला घोट सकता है। वो किताब मेरे पास है, ये स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट है, जो 3 बार प्रधानमंत्री रहे, 3 बार उनका स्टेटमेंट है। तो उनका जब गला घोटा सरकार तो खुद प्रधानमंत्री बन गए। क्या बात है, बन गए कि नहीं? बन गए कि ससु तुम हमारा गला घोटोगे, पत्रकार का गला घोटोगे, हम दिखा देंगे तुमको। जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि अटल जी बहुत संसद भवन में सवाल उठाते, एक बार प्रधानमंत्री बन के दिखाइए। तो अटल जी बोले हम 3 बार बने। एक बार का बात, 13 दिन 13 महीना और 4.5 साल 3 बार बन गए। आप लोगों को समझ में सरकार ने मेरा भी गला घोटने का प्रयास किया। दिखाएंगे सरकार को कि कैसे चलाया जाता है सिस्टम को, सरकार को कैसे चलाया। आपका जो कह रहे हैं चलाने वाली बात, फिर से कहीं ना कहीं उधर मिर्च लग जाएगा। पत्रकारिता से चलाएंगे महाराज, इस पत्रकारिता के ताकत को दिखाएंगे, इस माइक के ताकत को दिखाएंगे, और जहां भी गलत हो उस इस माइक के ताकत से, इस पत्रकारिता के ताकत से उस गलती को दिखाएंगे। सरकार को झक मार के वो गलती सुधारना। अच्छा एक सवाल है आपसे, कभी भी नहीं देखा गया था एक पत्रकार के लिए जब गाँव आता है और 9 महीने जेल होके जब जेल में रह के गांव आता है तो लोग दिवाली मना रहे थे, कल हर घर में दिया जल रहा था, तो कभी ऐसा आपने देखा है कि किसी नेता के लिए, किसी पत्रकार के लिए जिसपे एनएसए लग चुका है, राष्ट्रद्रोह का केस लग चुका है, उसके लिए इतना भव्य स्वागत? लग चुका था, है नहीं लग चुका था। कोर्ट ने उसको बोला कि नहीं नहीं भाई गलत है, कैंसिल करो एनएसए, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया। आप बताइए ना कि लास्ट बार है, आप लोग पढ़े लिखे हैं कि इसमें अनपढ़ भी कुछ लोग हैं? सब लोग पढ़े हुए, सब लोग पढ़े लिखे हैं। तो बताइए बिहार कौन से बिहारी पे लास्ट बार जो है एनएसए लगा था, बताइए? अरे उसके पहले बताइए, जाइए नेता से पूछिएगा, नेता से पूछिएगा कि किस पे एनएसए लगा था ना, बिहार का किस जो बम ब्लास्ट किया सब उस पे एनएसए लगा ना, किसी पे एनएसए नहीं लगा, किसी पे एनएसए, जो मजदूर के लिए लड़ा उस पे लग गया। बिहार का सबसे बड़ा अपराधी मनीषवा हो गया, जो अपनी नानी का कैंसर का इलाज कराता था पटना एम्स में, जो ना जाने कितने लोगों का आंसू पोंछता था। 9.5 महीना मैं जेल में रहा ना, कहे नहीं कोई सोनू मोनू टोनू हाईलाइट हुआ बिहार में। हम तो गरीब के बच्चा को पकड़ पकड़ के हाईलाइट करते थे, दिखाओ इसका ई है एक्चुअल समस्या, दिखाते थे। और वहां पे जो है ना दिल्ली से पत्रकार लोगों को दौड़ा के लाते थे कि चलो यही है बिहार का जमीनी हकीकत, और इस चीज को, इस मिट्टी को चूमो और यहाँ पे इस समस्या को दिखाओ, ये एयर कंडीशन कमरा में एसी में बैठ के जो समस्या दिखाते हो वो समस्या नहीं है, ये समस्या है कि ये बांध जो है वो सही बना है कि नहीं बना, सही बात ये दिखाओ, ये चीज है। तो अभी आप अपने गांव में आए हुए मनीष भाई, ऐसा लोग कह रहे हैं कि बाहर है लोग बहुत सारा सवाल करेंगे, मनीष भैया जो है पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, नेता बनेंगे इसमें नहीं, हम इन सब चीजों के बारे में सोचे नहीं है, बस ये जो है हमारा ताकत है और ये ताकत हमेशा बना रहेगा, हमेशा ये ताकत बना रहेगा हमेशा। अच्छा आपने एक बात कही थी कंस सरकार, कंस सरकार कहने का क्या मतलब है आपका? जो गरीबों का गला घोट दे वो कंस है, जिसके आंखों के सामने गरीब जो है अस्पताल में दम तोड़ के मर जाए वो कंस है, वो रावण है, वो दुर्योधन है। और ऐसे लोगों को जो है वर्तमान समय में सोशल मीडिया के जमाने में डिजिटल युग में जो है ना हम लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चलिए रेल के रख देंगे भैया। किसका माइक है भाई?